क्लास 12th एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 15। आई थिंक ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। वाई इक्वल्स टू सेक इनवर्स 1/2x² - 1। एक्स की वैल्यू 0 से 1/√2 के बीच में है, हमें फाइंड करना है dy/dx। तो बच्चों देखो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट करने की कोशिश नहीं करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे इनवर्स फंक्शन को, ठीक है। तो देखो सेक इनवर्स को हटाना है तो ये पूरा हमें सेक में रखना है, ये पूरा हमें सेक में रखना है। जब इसको सेक में रखने की कोशिश करेंगे तो नीचे वाला किस में होगा, ये पूरा सेक में होना चाहिए। तो 1 बाई, आपको पता है 1/cos θ जो होता है वो होता है sec थीटा, नहीं तो ये sec थीटा है 1/, तो नीचे वाला किस में होना चाहिए, cos में होना चाहिए। ये नीचे वाला हमारा डिनोमिनेटर cos में होना चाहिए, तो cos में तो है नहीं, तो इसके लिए आपको पता है कि कुछ ना कुछ लेट करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए एक फॉर्मूला है हमारे पास 11th क्लास का, cos 2θ। इसका फॉर्मूला होता है 2 cos²θ - 1, समथिंग ऐसा ही कुछ दिख रहा है ना। x के जगह पे cos डाल दें तो ऐसा बन जाएगा ना cos²θ, ये वाला फॉर्म आएगा, उसके बाद cos²θ से रिप्लेस कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम लेट करेंगे एक्स की वैल्यू को cos θ, तो वाई इक्व टू हो गया sec इनवर्स 1/2 cos²θ - 1। इसको हम लिख सकते हैं cos²θ, ठीक है बच्चों। सो वाई विल बी sec इनवर्स 1/cos²θ। cos²θ को 1/cos²θ को sec थीटा लिख सकते हैं। वाई इक्व टू sec इनवर्स sec²θ, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, y = हो गया 2θ। थीटा की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ये थीटा की वैल्यू यहाँ से हम निकालेंगे क्या होगा, θ = cos inverse x, ये होगा थीटा की वैल्यू, यहाँ से हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे y = 2 cos inverse x, ठीक है बच्चों। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। सो dy/dx क्या होगा, देखो बच्चों dy/dx 2 कॉन्स्टेंट बाहर ले लिया, cos इनवर्स का डेरिवेटिव होता है -1/√1 - x² तो ये हो गया हमारा आंसर। थैंक यू बच्चों।